तो गाइज कैसे हो आप सभी लोग यार। गाइज देखो आपको पता होगा ना, शाओमी की तरफ से यहाँ पे कोई भी न्यूज़ अच्छे से नहीं आ रहा है, एंड आ भी रहा है तो वो कम, बहुत ही कम न्यूज़ आ रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी, हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया है, बहुत थोड़ा न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा टाइम लूँगा, बस आपको ये न्यूज़ एक बार में ही बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबा देना। तो चलिए याद कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइज आज है 15 सितंबर 2020 और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तारीख को आज शाओमी ने एक डिवाइस को लॉन्च करने वाला था जो कि अभी कर भी चुका है, जिसका नाम है Redmi 9i। एकदम बजट फोन है, कोई भी यहाँ पे ज्यादा प्राइजेस नहीं है इसके। आपको ये डिवाइस आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त, या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के अंदर अवेलेबल हो चुका होगा। करीब इसका प्राइस होगा 8 या 9 हज़ार के अंदर, एंड इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 4 GB रैम के साथ ये फोन आने वाला है, एंड इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो MediaTek का यूज किया है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे 5000 की बैटरी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है। उसके अलावा आप और भी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक में जाके आप इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। बाकी काफ़ी अच्छा डिवाइस है, बजट का डिवाइस है, एंड हर एक बंदा इसे अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आपको ये पसंद है तो जाके देखो यार, अगर आपको ये पसंद आता है फ़ोन तो परचेज कर डालो यार, किस बात की देरी है। खैर अभी मैं बात करने वाले कुछ अपडेट्स के बारे में। गाइज यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि Mi Note 10 Pro और यहाँ पे Mi Note 10 इंडोनेशिया के अंदर इसे एक नया अपडेट मिला है MIUI 12.0.2.0 का, जो कि एक पर्शियल अपडेट है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप अपने डिवाइस के लिए रिकवरी मोड में जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि अभी बात करने वाला इंडियन डिवाइसेस के बारे में, तो इंडिया के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, मतलब 2-3 दिन हो चुका है इंडिया के लिए, अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया है। बस पुराना ही न्यूज़ है, जिन जिन डिवाइसेस को अपडेट मिलने थे वो सारे के सारे अपडेट्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे और भी डिले होने वाला है, जितना डिले हो सकता है होगा, एंड बहुत ही जल्द आपको कोई नया न्यूज़ मिलेगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपके जितने भी अपडेट्स हैं वो डिले कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी कोई भी डिवाइस के अंदर अपडेट नहीं मिलने वाला है। करीब 2 या 3 दिन हो चुके हैं इंडिया के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेशली यार बस क्या बोले आपको कि यहाँ पे अपडेट्स को डिले किया जाएगा। अभी देखो यार कौन से डिवाइस के बारे में न्यूज़ आएगी डिले की, तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो खैर आज की वीडियो में इतना यार, मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंड